क्या आप जानते हैं कि मोबाइल में एरोप्लेन मोड किस लिए दिया होता है, इसका क्या काम है? इसके अलावा आपको कई सारे लैपटॉप पे भी एरोप्लेन मोड देखने को मिल जाता है। तो भैया आखिर में ये एरोप्लेन मोड है क्या, इसका क्या काम है, क्या इस्तेमाल है और हमारे मोबाइल में ये क्या काम करता है? वेल, ये सारे डाउट्स आपके मन में है? अगर हाँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एरोप्लेन मोड को लेके। तो अगर आपको जानना है तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरोप्लेन मोड की कि आखिर में ये एरोप्लेन मोड होता क्या है। तो एरोप्लेन मोड बेसिकली एक सेटिंग है या फिर कहें फीचर है जो आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप सिस्टम में देखने को मिल जाता है। तो इसे बेसिकली हम ऑफलाइन मोड, स्टैंड अलोन मोड या फिर फ्लाइट मोड के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड को ऑन कर लेते हैं यानी एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके मोबाइल में ट्रांसमिशन सिग्नल पूरी तरह बंद हो जाता है। तो आसान भाषा में कहें तो आप अपने मोबाइल से ना तो किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही SMS भेज सकते हैं और ना ही उस वक्त आपके पास किसी का कॉल आ सकता है या फिर SMS आ सकता है। इसके अलावा मोबाइल में फ्लाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद आपके मोबाइल में कई सारे फीचर जैसे कि हो गया वाईफाई, हो गया ब्लूटूथ, हो गया GPS, हो गया, ये सारे फीचर डिसेबल हो जाते हैं। हालांकि आप इन सारे फीचर को मोबाइल की सेटिंग में जाके मैनुअली टर्न ऑन कर सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही मोबाइल में एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है तो उसके बाद आपके मोबाइल में जहां पर भी आपको नेटवर्क दिखाता था उसकी जगह पे आपको वहां पर एक छोटा सा एरोप्लेन का साइन दिखाएगा, जिसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल में एरोप्लेन मोड ऑन है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर में ये एरोप्लेन मोड का क्या यूज है मोबाइल में, और जब भी हम किसी फ्लाइट से जाते हैं यानी प्लेन से कहीं पर जाते हैं तो हमें हमेशा फ्लाइट में ये क्यों कहा जाता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे या फिर अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड को एक्टिवेट कर ले। तो देखो, जब भी आप किसी जगह पर जाते हो तो आपका जो मोबाइल है वो आसपास के नेटवर्क टावर को स्कैन करने की कोशिश करता है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ताकि आपके मोबाइल में 24 घंटे नेटवर्क मिल सके और आपको किसी भी तरह का नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर नेटवर्क ही नहीं है, जहां पर दूर दूर तक नेटवर्क टावर ही नहीं है, तो ऐसे में आपका जो मोबाइल है वो सिग्नल को बूस्ट करता है ताकि जो भी आसपास के जहां तक भी जो भी शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क टावर हो उससे वो कम्युनिकेट कर सके और आपको नेटवर्क मिल सके मोबाइल में। तो ये जो संपर्क करना होता है या फिर कहे मोबाइल आसपास के नेटवर्क टावर से कम्युनिकेट यानी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसके वजह से कई बार एरोप्लेन के सेंसर पे और जो भी नेविगेशन सिस्टम होता है उस पे प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे हमारा जो प्लेन है या फिर जिस भी प्लेन में आप जा रहे हैं वो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को कई बार कहा जाता है कि एरोप्लेन में हमेशा फोन को स्विच ऑफ करके रखे या फिर फोन में एरोप्लेन मोड को एक्टिवेट कर ले। लेकिन दोस्तों ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर बाय चांस आप प्लेन के अंदर अपने फोन को बंद करना भूल जाते हैं या फिर फोन में एरोप्लेन मोड को एक्टिवेट करना भूल जाते हैं तो ऐसे में जरूरी नहीं है आपका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्लेन के अंदर फोन को बंद करना भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को हमेशा प्लेन के अंदर फोन को बंद करके रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कई बार पायलट को प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि प्लेन के अंदर फोन को स्विच ऑफ करें या फिर फोन में फ्लाइट मोड को ऑन कर ले अगर आपको फोन को इस्तेमाल करना है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लाइट मोड क्या होता है और इसका बेसिकली क्या यूज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।